मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के संचालन में केंद्र सरकार ही रुचि नहीं ले रही। इस मिशन को लेकर ना तो केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित राशि प्रदेश सरकार को प्रदान की गई और ना ही उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र ने राज्य सरकार से अब तक दिए हुए पैसों का ब्यौरा भी मांग लिया, जिसे लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासी टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है और खुद सीएम कमलनाथ ने केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी मध्य प्रदेश की राशि रोकी। निर्धारित 113 करोड़ में से सिर्फ 26 करोड़ की राशि प्रदान की। अब तक कुल 721 करोड़ की राशि केंद्र ने प्रदेश सरकार को दी, जिसमें प्रदेश ने 608 करोड़ का ब्यौरा केंद्र सरकार को दिया। 2018 में शिवराज सरकार ने 113 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। अब कमलनाथ सरकार से मांगा जा रहा है संबंधित राशि का हिसाब। हिसाब देने के बाद ही बाकी के 200 करोड़ रुपए जारी करेगा केंद्र। सीएम कमलनाथ ने जताई नाराजगी, ये रवैया ठीक नहीं। जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो स्वच्छता अभियान को लेके मात्र प्रोपोगंडा ज्यादा कर रही है, प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। आपने कोई सीवियर लाइन की योजना ना शहरों को दी, ना ग्रामीण अंचल को दी, ना ही आपने नालों को बंद करने के लिए कोई योजना दी। मात्र झाड़ू लगा लेने से जो है स्वच्छता नहीं हो जाती। अब जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार और मद निश्चित रूप से देगी, लेकिन जैसा कि मोदी जी ने पहले ही बताया था कि आप 5 वर्ष के हिसाब से, 1 वर्ष के हिसाब से प्लान बनाती हो कि किस कार्यक्रम को आपको ज्यादा आगे बढ़ाना है। एक समय स्वच्छता मिशन की बात ज्यादा की गई थी, उसके लिए सीएसआर का भी फंडिंग किया गया था। अब देश इससे काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन कमलनाथ जी की गाड़ी जो है पिछले कामों पर ही अटकी हुई है। हमें लगता है उनको ये सब छोड़ना चाहिए और वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप ना करके जमीन पर क्या काम करना है, इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। कुल मिलाकर एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच का आर्थिक हिसाब किताब सियासी तकरार की वजह बनता जा रहा है और इसका अंजाम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है स्वच्छ भारत बजट पर ब्रेक। केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहते हैं कि स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मिशन जब ही पूरा होगा जब पर्याप्त राशि मिलेगी, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार को जो राशि चाहिए वो मिली नहीं है। अब केंद्र की तरफ से कहा यह जा रहा है कि पहले हिसाब करिए फिर पैसा पाइए। बात भी ठीक है, हिसाब तो हर चीज का देना होता, लेकिन यह सिर्फ मध्यप्रदेश के साथ हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि ये सब ठीक नहीं है। स्वच्छता मिशन को सरकार बढ़ाना चाहती है और स्वच्छता मिशन को लेकर देश भर में अच्छे काम भी हुए हैं जो दिखाई भी देने लगे, और मध्यप्रदेश ही वही है राज्य है जहां का इंदौर लगातार 3 बार स्वच्छता मिशन में नंबर 1 रहा और अब 4थी बार की तैयारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना सब कुछ किए जाने के बाद भी राशि क्यों रोकी जा रही। आज यही हमारा मुद्दा है, स्वच्छ भारत बजट पर ब्रेक। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन यादव है, जो धैर्यवर्धन जी है जो मेरे साथ फोन पर रहेंगे, और साथ ही स्टूडियो से मेरे 2 मित्र रहेंगे। शहरयार खान साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका स्वागत है। साथ ही वासुदेव शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है वासुदेव जी। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ही चलूंगा क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और आरोप भी बीजेपी पर है। धैर्यवर्धन जी, स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाती है केंद्र सरकार और स्वच्छता को लेकर काम भी हुए और मध्य प्रदेश वही है जहां का इंदौर नंबर 1 है, बावजूद इसके राशि रोकी जा रही है। देखिए, हिसाब किताब हर चीज का होता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ पैसा शेयर करती है तो उसके मद निश्चित होते हैं कि कौन सा विभाग किस मद के लिए राशि देगा, और जो राशि लेता है उस राज्य सरकार के उस विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि समय सीमा में उस राशि को न केवल खर्च करें बल्कि जो ब्यौरा उनको समय पर देना चाहिए वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएं। उसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुरूप ही उनको वहां पर पैसे की राशि को खर्च होना बताना पड़ता है। मुझे लग रहा है ये प्रसंग पिछले कई दिनों से चल रहा है। भारत सरकार के मंत्री भी इस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं और तमाम आईएएस अफसर, सीनियर अफसर जो भारत सरकार में काम कर रहे हैं वो यहाँ बजट के दौरान भी ये बता चुके हैं कि निश्चित निर्धारित प्रोफार्मा में, फॉर्मेट में इनके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। अब आप मुझे बताइए पिछला पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया, ये हिसाब देंगे नहीं, और भारी भरकम रकम इन्हें दोबारा दे दो, क्या ब्याज खाने को इनको पैसा दे दें,
या इनके खुद के खर्चे मेंटेन करने के लिए पैसे का दुरुपयोग करने के लिए पैसा दे दें। लेकिन आपको ये आपको और मद में खर्च करने के लिए इनको पैसा जी आपको धैर्यवर्धन जी आपको पता है कि आपकी सरकार ने 113 करोड़ का हिसाब नहीं दिया था शिवराज सरकार ने। अब शिवराज सरकार का तो कार्यकाल ही पूरा हो गया, ये हिसाब तो संबंधित आईएएस अफसरों को देना पड़ता है, वो थोड़ी नहीं चले गए सर। चलिए ठीक है सहरियार जी, क्या कहेंगे आप स्वच्छता मिशन को लेकर काम कर रही है सरकार और मध्य प्रदेश नंबर वन भी रहा है उसमें, खासकर इंदौर, भोपाल भी एक बार नंबर दो के स्थान पर रहा, लेकिन क्या स्वच्छता मिशन को लेकर जिस तरह के आरोप आप लोग की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि राशि रोकी जा रही है, तो कैसे काम बढ़ेगा? देखिए मनोज सैनी जी, जो कमलनाथ सरकार बार बार जब से मध्य प्रदेश में बागडोर संभाली है ये बात बोलती रही है कि मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो ये उसी की वानगी है, उसी पे फिर से मोहर है कि स्वच्छता अभियान के पैसे में भी केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की राशि को रोकना उसी चश्मे से देखा जा रहा है जो हम लोग बोलते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और पूर्ववर्ती शिवराज सरकार जो भाजपा की मध्य प्रदेश में 15 साल थी उसके किए गए कार्यकलापों का वो हिसाब ना देखे और वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र द्वारा उनसे 2018 तक नहीं मांगना और अब हर मंत्रालय के पैसे को रोकना उसकी आड़ में, तो ये बात उस ओर इशारा करती है कि मोदी जी आप बुंदेलखंड को तो आके पैकेज देने की बात कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश के हिस्से का बुंदेलखंड भी देश में ही है और आपका ये सौतेला व्यवहार मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि मई में अभी हालिया में लोकसभा चुनाव में आपको भरपूर समर्थन दिया था, 28 सांसद दिए थे। अगर यहाँ के किसान हों, महिलाएं हों, बेरोजगार युवा हों, और रही बात जनहितैषी योजनाओं की, उसके पैसे को आप कटौती करेंगे तो इसका विपरीत असर मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता पे पड़ेगा और वो जनता आपसे हिसाब लेना जानती है। आगामी आने वाले चुनाव में इसका जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा। लेकिन बात राजनीति से ऊपर उठ के मैं करना चाहता हूं कि मोदी जी संघीय व्यवस्था को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। जब मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा था तो आपने बिहार और कर्नाटक को तो तुरंत आपदा राशि दी, लेकिन मध्य प्रदेश को आपने ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक 1,000 करोड़ दिए। सहरियार जी, लेकिन ये तो होता है कि जब कभी कोई हिसाब बनता है, जैसे आपसे किसी को पैसा लेना है, मैं डबल से आपके पास पैसा लेने आ जाऊं, तो आप भी कहेंगे कि पहले का हिसाब तो क्लियर करिए। तो ठीक है, शिवराज सरकार के समय ही हुआ, लेकिन कमलनाथ जी तो बहुत ही सेंसिटिव है और वो जानते हैं कि कैसे हिसाब किताब किया जाता है, फिर कहां गड़बड़ कहां हो रही है? देखिए मनोज जी, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं हिसाब मांगने के नाम पे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में जब से कमलनाथ जी ने आके दिसंबर से बागडोर संभाली है, अपने सारे लगभग हर डिपार्टमेंट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो राशि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई थी उनकी शिवराज सरकार नहीं देखे गई, लेकिन कमलनाथ सरकार दे रही है, बार बार दे रही है, चाहे आपदा की बात हो चाहे जनहितैषी योजनाओं की बात हो, लेकिन उनको, क्योंकि केंद्र की हालत किसी से छुपी नहीं है, देश की जीडीपी यूपीएस टाइम के पैमाने पे देखें तो 3% के आसपास टिकी हुई है, इनके खजाने खाली हैं, ये सिर्फ प्रचार और प्रसार की सरकार चला रहे हैं, देश को गुमराह करने की सरकार चला रहे हैं, इनके खजाने खाली हैं, केंद्र के हर डिपार्टमेंट की जनहितैषी योजनाओं पे विराम लगा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि आप देखें, बजट में जो टैक्स की राशि है उसी में 14,000 करोड़ रुपए काट दिया गया है, तो वो किस लिए काट दिया गया है? वहां पर कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश से जो टैक्स की राशि गई थी उस पैसे को भी रोक दिया गया है, और वो सांसद 28 और 107-8 विधायक बीजेपी के कहां पर कानों में शीशा डाल के बैठे हुए हैं सदन में। मध्य प्रदेश सभी का है, चाहे बिल्कुल हो या कांग्रेस हो, और सबको मिलकर साथ कर बढ़ना होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि स्वच्छता मिशन को लेकर वासुदेव शर्मा जी काम तो हुआ है। जिस साफ सफाई की हम कभी बात नहीं किया करते थे वो आज नजर आती है, आप कहीं भी चले जाइए। और मध्य प्रदेश तो फिर वो है जहां का इंदौर नंबर वन आया 3 बार, भोपाल भी नंबर दूसरी पोजीशन में रहा और लगातार इसमें सुधार हुआ, लेकिन राशि नहीं मिलेगी तो काम चलेगा कैसे? वासुदेव जी, मनोज जी, ये बात सही है कि स्वच्छता के प्रति जनता के अंदर जागरूकता पैदा बड़े स्तर पर की गई है, और पिछले कई सालों में ऐसा लगा भी कि लोग इसके प्रति जिम्मेदार हुए हैं, और सरकारों ने जो चीज़ें उपलब्ध कराई, डस्टबिन हो या दूसरे जो कचरा डालने के स्थान नियत किए, तो वहाँ कचरा पहुँचने लगा था। इसमें देखिए, इसके साथ साथ में स्वच्छता के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम हुआ है इस बीच में, वो काम
ये हुआ है कि हर शहरों के अंदर छोटी छोटी जगहों में भी कचरा एक नियत स्थान पर डालने के लिए डंपिंग सेंटर बनाए गए। अब जब ये सारा काम तो शुरुआती दौर में हुआ और तीन क्षेत्रों में काम हुआ, देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो शौचालय बनाने का काम हुआ, शौचालय बने जी जी, शौचालय बने जी जी बड़े स्तर पर, वो शौचालय मनरेगा से बने थे। शहरों के अंदर जो काम हुआ वो दो काम हुए, एक तो बड़ी संख्या में गाड़ियां कचरा इकट्ठा करने के लिए खरीदी गई, ये प्राइमरी इन्वेस्टमेंट था, गाड़ियां खरीदी गई। दूसरा जो काम हुआ कि शहरों की दीवारों को, पेड़ों को की रंग पुताई करके, पेंटिंग करके उस शहर को थोड़ा आकर्षक बनाया गया और जो फुटकर व्यापारी थे उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह पर वो गए, सड़कें चौड़ी की गई, मतलब स्वच्छता के तहत एक काम शहरों में ये हुआ कि सड़कें चौड़ी हुई हैं, है ना, खुला है शहर, तो ये काम तो हुआ है। अब ये काम और आगे विस्तार लेता जाए, शहर और अच्छा बने, लोगों को सुविधाएं मुहैया, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम है सरकार के पास पैसे का आना। अगर पैसे के आना रुक गया तो मालूम मनोज भाई क्या असर पड़ेगा कि आपने जो बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीद दी है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमती है, वो रुक जाएंगी, उनका खर्चा कहां से निकलेगा, पेट्रोल कहां से आएगा, डीजल कहां से आएगा, उनको ड्राइवर कहां से आएगा, जो पैसा तो सारा, मतलब जो स्वच्छता का जो फंड था उससे वो लग रहा था उसमें, तो इसलिए अगर ये पैसा रोका गया तो अभी अपने स्वच्छता के क्षेत्र में जो शहरों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम देखा है वो काम पूरा का पूरा ठप सा हो जाएगा। इसलिए इस काम को जब शुरू किया है केंद्र सरकार ने और राज्य ने, तो इसको और प्राथमिकता से फंड बढ़ाकर और समय पर फंड देकर इसको और जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी अवेयरनेस आते हुए लोगों के दिमागों में कुछ साल हुए हैं और इस अवेयरनेस को दिमागों से निकलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा लगेगा जी, इसलिए लोग अगर इसके प्रति इतने जागरूक हुए हैं उतने ही लापरवाह होने लगे तो फिर आप जाते वहीं कि भाई हम लापरवाही तो कई वर्षों से करते रहे, जब भी तो इतने दिन लग गए कि स्वच्छता की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब स्वच्छता की तरफ सरकार ने ध्यान दिया और काम भी आगे बढ़ा, लेकिन आप ही उसको रोक देंगे, उसके कदम को रोक देंगे तो हमें लगता है फिर वही ढाक के तीन पांच जैसी स्थितियां दिखाई देने लगेगी। धैर्यवर्धन जी, ये जो स्थितियां हैं स्वच्छता मिशन को लेकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया, हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता है और हम देख भी रहे कि हर कोई जागरूक हो गया, लेकिन यदि इस तरह से बजट रोका जाएगा तो खर्चे बहुत है, प्रतिदिन जैसा वासुदेव जी भी कह रहे हैं घर आकर कचरा उठाना है, गाड़ियों को लेकर आना है, फिर आप जहां डंपिंग स्टेशन पर उसको डाल रहे हैं वहां की मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो पैसा तो हर जगह लगेगा, और यदि स्वच्छता के नाम पर आप टैक्स लगाएंगे तो एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। इंदौर में लगाया है थोड़ा बहुत स्वच्छता को लेकर टैक्स भी लगाया और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, ऐसा कहीं विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन यदि इस तरह बजट का रोका जाना, क्या आपको लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है उसी पर पानी फिरेगा? आदरणीय पत्रकार मित्र बहुत विस्तार से चरणबद्ध उसकी जानकारी दे रहे थे, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार को इसका क्रेडिट जाता है, भारत सरकार की इस उपलब्धि को जन जन ने सराहा है और स्वीकारा है, आप भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं अपनी बातचीत में, पर मैं पूछना चाहता हूँ जब एक वर्ष से ये सरकार ये क्यों बिल्कुल नपुंसकता की ओर बढ़ रही है, ये कोई अपने संसाधनों पर जरा भी इसको विश्वास नहीं है क्या, हर चीज के लिए केंद्र सरकार के लिए रोना क्यों रोती है, और केंद्र सरकार भैया मध्य प्रदेश से केंद्र को राशि जा रही है स्वच्छता अभियान के पैसे की, टैक्स जा रहा है, भीख नहीं मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा मांग रहे हैं और मोदी कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं देते इनके, नहीं बोलने नहीं देते, झूठ परोसोगे तो सच भी सुनने की आदत डालो। चलिए जवाब दे दीजिए धैर्यवर्धन जी, जवाब दीजिए, 14,000 करोड़ पे सारे बीजेपी के सांसद और विधायक कान में शीशा डाल के बैठे हैं उस पे नहीं बोलोगे आप? चलिए जवाब दी, चलिए जवाब लेने, भीख मांगने आ जाते हो वोटों की, जवाब लेने, मध्य प्रदेश के हिस्से का पैसा नहीं देते हो उस पर, जवाब लेने दीजिए सर यार, जवाब दे दीजिए। चिल्लाने वाले लोग बताएं कि हम तो सरकार चलो कुछ धीमा चला रहे हैं, देश में आग तो नहीं लगवा रहे, अरे देश में आग ही तो लग रही है, अरे अरे आंखों का पानी भी मर गया है देश में, आग क्यों मर रहे हैं दूसरे की, आपकी बारी है तब सफाई दीजिए, मैं भी बेसब्री से आपको सुन रहा था, कहिए कहिए धैर्यवर्धन जी बात लोग इस बात की चर्चा करते हैं, हम यहाँ चीखने चिल्लाने वाली स्थिति न बनाए तो कहिए कहिए आप कहिए, चलिए अरे आप अपनी बात बोलिए धैर्यवर्धन जी, मैं निवेदन इतना सा कर रहा हूँ कि ठीक है
शहरयार खान साहब की कुछ बात सही भी हो सकती है कि विलंब हुआ होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भारत सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया है। ये क्रेडिट और उसका काम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चलता है, पर उससे बेहतर है ये तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाएं केंद्र सरकार पर, उससे बेहतर है कि आइए अफसरों की लगाम कसें कि निश्चित फॉर्मेट में वो सब पूरी जानकारी दें और वो अपने केंद्र के अधिकारियों से उस विभाग के जाकर के संवाद कायम करें। पैसा तो मिलेगा ही, पैसा होता ही इसलिए कि देश का विकास हो, प्रदेश को उसका हक मिले। और भारत सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई शौचालय व्यवहार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई 19-20 का फर्क नहीं होगा, जिस राज्य का जो हक है उसको दिया जाएगा। शहरयार जी 608 करोड़ का हिसाब आपने दिया, 712 करोड़ मिले वो गया भी है हिसाब, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 113 करोड़ का हिसाब देने में दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही? क्या चलिए शिवराज सरकार ने नहीं दिया हिसाब तो आपके जो अफसर हैं कांग्रेस सरकार में, जो अफसर हैं, अफसर तो वही होते हैं चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो तो बदलते नहीं है, तो कहाँ कोई, क्या ये वही जो हमेशा आरोप लगता रहता है कि अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते, ये वो वजह है? तो देखिए कमलनाथ सरकार में सब सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो पिछली सरकार थी वो हर योजना का पैसा इधर का उधर खून बिन करने की उसकी प्रक्रिया करती थी, और जो अभी रिपोर्ट अभी 123 करोड़ की यूसी पहुंचना है, निश्चित ही उसकी फाइलें भी ढूंढवाई जा रही हैं, और ये जाते जाते ऐसे कई कृत कर गए हैं कि जिससे कि इनका हिसाब नहीं मिले, इनकी कलाई नहीं खुले, ये उसको और भी इशारा करती है। लेकिन कमलनाथ जी का नेतृत्व है, वो सबको ढूंढ के निकाल के और यूसी बना के भेजेंगे। लेकिन मैं सैनी जी ये स्वच्छता वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे हिस्से का टैक्स का पैसा है उसके लिए क्या मोदी जी के हाथ किसने रोके हुए हैं? जो कार्ड है जीएसटी और ये सब चीज, इनके पास कंगाल है, ये आर्थिक कंगाल है, ना इनके पास आर्थिक विजन है, ना बजट भी देख लें आप, इतना नीरस है। आज भी आप शेयर मार्केट उठा के देख लें, सुबह से धड़ाम होते चला जा रहा है, तो ये इनकी आर्थिक गलत नीतियों का असर है जो देश में आर्थिक दिवालियापन की स्थिति कायम है। मनमोहन सिंह का वो नेतृत्व था मध्य प्रदेश को, शायद वो 10 साल से पहले कभी इतना केंद्र से पैसा नहीं मिला होगा, हमने मध्य प्रदेश की सारी जनमुखी योजनाओं के लिए दोनों हाथों से पैसा दिया था, और यही कमलनाथ जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री रहते कई हजार करोड़ मध्य प्रदेश को दिया। हमने राजनीति पार्टी स्तर पे नहीं करी थी, मध्य प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आनी थी, लेकिन ये लोग सिर्फ टारगेटेड करके मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए, उसकी योजनाओं जो चल रही हैं उसको रोकने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उस पे प्रहार करने की इनकी मंशा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इनको हिसाब देगी। कोई बड़ा पद पर जब बैठता है, केंद्र में आपकी सरकार है और आप मुखिया हैं पूरे देश के, तो कोई भी राज्य हो जहाँ बीजेपी की सरकार है तो भी आपको मदद करना है, कांग्रेस की सरकार है। बात कहना चाहता हूँ मैं, कह दीजिए सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण। सुनिए ना जयवर्धन जी, इस पे भी बता दीजिए, कोरोना वायरस की जगह देश से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है क्या? कोरोना वायरस इसकी वजह है कि मोदी जी के आर्थिक गलत नीतियां हैं? ये आज आया है कोरोना वायरस, हम 7 साल से बात कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हो, देश के युवाओं के खाली हाथ है, 14 करोड़ रोजगार होना चाहिए थे इन 7 साल में, लेकिन 3 करोड़ रोजगार छीनने का काम करा है आपने, उद्योगों को धरातल पे लगा दिया है। आपके पास ना नीति है, ना विजन है, ना आर्थिक कोई आपका विजन है। आपके पास है तो टेलीविजन है, सिर्फ टेलीविजन की सरकार केंद्र की चला रही है, और 15 साल मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने चलाई। हम भी टेलीविजन पर ही चर्चा कर रहे हैं, सैनी जी टेलीविजन का से गुरेज नहीं है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसका इस्तेमाल देश की जनता, युवा, महिलाओं के अच्छे काम के लिए होना चाहिए जो होता था, लेकिन इन्होंने उसको भी हाईजेक करके सिर्फ अपनी कलाई न खुले ऐसी कुछ चैनलों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कराते हैं, ये खुले हुआ इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? आप कुछ भी करो, हम उस भी करें तो आपको बुरा लगे और आप कत्ल भी करो तो हम नहीं बोले। चलिए मैं लौट रहा हूँ वासुदेव शर्मा, चलिए वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव शर्मा जी, दुनिया टेलीविजन की है और टेलीविजन पर तो आजकल सभी दिखता है, ये बात अलग है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना वायरस की बात हो रही, यदि स्वच्छता पर कोई वायरस नया आ गया जिसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, साफ सफाई की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन इस तरह के वायरस यदि आते रहेंगे तो आपको
जैसा आप भी कह रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं ये रुक जाए, जो जिस तरह से लोग जागरूक हुए वो जागरूकता से पीछे चले जाए, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी आदत बहुत अच्छी है पर गंदी भी है कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपने किस तरह से पालन करना है, अपने कामों का किस तरह से स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाना। जब बहुत सारे हाथ मिले तब कहीं जाकर हम यहाँ सफल हुए हैं, लेकिन इसमें जरूरत तो है मद की, और यदि इस तरह से झगड़े होते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मनोज जी बिल्कुल, जो आपने कहा कि सारे हाथ मिले तब ये स्थिति में पहुंचे हैं, उन हाथों का तो कभी कोई जिक्र नहीं होता। मतलब स्वच्छता पे श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा तो शुरू हो जाती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जब ये अभियान शुरू किया गया तो जो स्वच्छता का जो सबसे लोकप्रिय गाना है कि गाड़ी वाला आया कचरा डाल, बहुत चर्चा का, बहुत लोकप्रिय गाना, वो गाना किसने लिखा था? एक मास्टर ने, मंडला के ने। जी जी। शहरों के अंदर जो पेंटिंगें हैं बनाई हैं वो किसने बनाई हैं? स्कूलों के बच्चों ने। शहरों के अंदर जो नाटक करने वाले लड़के लड़कियां निकलते थे उनने लोगों में अवेयरनेस फैलाई। लेकिन इसके पीछे एक और मैंने खबर भी लिखी थी, जब बच्चों के पेंटिंग कर रहे थे कई नगर पालिकाओं में, नगर निगमों ने हुआ ये कि उसके भुगतान फर्जी कर दिए गए उस पैसे के। दरअसल जो हिसाब नहीं मिल रहा है ना वो इसी तरीके का भुगतान है कि जो कई हाथों ने स्वच्छता के अभियान को चलाया था उन हाथों का हिस्सा जो है फर्जी भुगतानों में चला गया। बंदरबाट तो खूब हुई बंदरबाट मिशन के नाम, ठीक है ना। ये जी, आगे मेरी बात जो मैं बोल रहा ये अब दूसरी, देखो मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ कि देखो सरकारों की गंभीरता बहुत मायने रखती है स्वच्छता के प्रति। कमलनाथ की सरकार ने जो एक अभी निर्णय लिया है पिछले 10 दिन पहले, जिसकी बहुत कम चर्चा हुई, जिसकी चर्चा होनी चाहिए जी, क्योंकि स्वच्छता का जो दारोमदार है, इस अभियान का जो दारोमदार है किसके ऊपर है? नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, उनके सफाई कर्मियों के ऊपर, उनके क्लास फोर के कर्मचारियों के ऊपर। वही है ना जी, वही गाड़ी लेके जाएंगे, वही झाड़ू लगाएंगे, वही डस्टबिन को उठाएंगे। ये कर्मचारियों के लिए कमलनाथ की सरकार ने अभी नियमितीकरण का फैसला किया है। वो समझ रहे थे कि अगर इनको हमने नहीं दिया और इनने एक हड़ताल कर दी या आंदोलन में चले गए और ये 7 दिन के लिए भी अवरोध पैदा हुआ तो पूरा स्वच्छता का वो ढांचा गह जाएगा। इसलिए उनने अपनी सरकार की जो जिम्मेदारी होती है इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उनने एक बड़ा फैसला किया जिसकी चर्चा नहीं हुई, होना चाहिए था। वो कर्मचारी जो क्लास फोर स्वच्छता अभियान की नींव थे उनको उन्होंने परमाण विनियमितीकरण किया, उनका वेतन बढ़ाया है, और इसी से स्वच्छता अभियान आगे भी बढ़ेगा। इसलिए इस सरकार की जो चिंता फंड की है कि फंड रिलीज करने की, वो जायज चिंता है। धैर्यवर्धन जी, ये चिंता तो जायज है। देखिए हिसाब किताब लिया जाएगा, जब 608 करोड़ का हिसाब दिया है तो बाकी का हिसाब भी दे दिया जाएगा। शिवराज जी ने दरअसल 2018 में हिसाब नहीं दिया, अब सरकार 2019 में कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार चाह रही कि हिसाब भी दे दें, लेकिन जरा सा काम रुकेगा तो शायद आप भी इस मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो सपना हम सब देख रहे हैं स्वच्छता का, और अब भारत स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ा है इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हाथ एक साथ जुड़े हैं, उसमें एक भी हाथ पीछे हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मेरा ये कहना है कि यदि बात जाएगी तो हम समर्थन करेंगे, मांग जाएगी तो इनको विश्वास रखना चाहिए। भारत सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की शंका मन में न पाले, ये हिसाब दें, सारा पैसा जो इनको मिलना चाहिए वो मिलेगा, कहीं और बढ़कर के मिलेगा उसका भी आपको देखने को मिलेगा कि तमाम सारे विभाग ऐसे होंगे जिनमें जो राशि पिछले वर्षों में मिली उससे बढ़कर भी मिलेगी, क्योंकि ये देश विकासोन्मुखी है, मोदी सरकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में, इन दो तीन क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम कर रही है, लोगों को स्वच्छ जल मिले इस पर भी काम कर रही है। इसलिए इनको दोषारोपण करने के बजाय मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, पैसा मिलेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, भरोसा रखें। हम भी यही चाहे शहरयार जी, दो कदम यदि वो चल रहे हैं, दो कदम हम और आगे बढ़ जाएं, और एक इतना अच्छा मिशन है जिसमें कहीं कोई कुछ नहीं है, ये मिशन तो साफ सुथरापन का है, स्वच्छता का है, कैसे बात बनेगी यदि इस तरह से, जैसा आपने भी कहा कि हम लगातार कह रहे हैं और भी मत का पैसा रोका गया है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मत है। बिल्कुल, देखिए स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगाने से या शहर साफ कराने से रोज का नहीं है, उसकी बुनियादी सुविधाएं भी हैं, ड्रेनेज की सिस्टम को आपको सुधारना होगा। बरसात में आप देखते हैं शहरों में छोटे छोटे, भोपाल में देख लें तो बाढ़ें आ जाती हैं, तो इस पे कोई विजन नहीं है। सिर्फ आप गाड़ी से रोज डेली कचरा उठवाएं बहुत अच्छी बात है, उसको साफ सफाई होती रहे नगर निगम के माध्यम से बहुत अच्छी बात, लेकिन हम बुनियादी इंतजाम मत नहीं करके चलेंगे तो स्वच्छता अभियान बहुत लंबे टाइम सक्सेस नहीं होगा। हम पहले और दूसरे नंबर पे आने की होड़ में नहीं है, हम मध्य प्रदेश
के 7.25 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और स्वच्छता सिर्फ शहर की झाड़ू कचरा उठाने या इससे नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे शहरों का विस्तार हो रहा है, अगर उसमें हम ड्रेनेज की, क्योंकि हम बम्बई को देखते हैं, उदाहरण है हमारे साथ बम्बई, बम्बई में 10 मिनट बारिश होती है तो पूरा बम्बई रुक जाता है, तो वो भविष्य में हमारे साथ नहीं हो, तो उसके लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पैसे की जरूरत है। और मैं को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ना इनके पास विजन है, ना नीति, ना नियत और ना पैसा। हाँ, मैं बिल्कुल गंभीरता से बोल रहा हूँ, केंद्र की सरकार के पास आर्थिक दिवालियापन की स्थिति है, सारी जनमुखी योजनाएं रुकी हुई है, सब में कटौती करी गई है, आप बजट उठा के देख लीजिए, और पिछले 7 साल में इनके पास कोई आर्थिक विजन ही नहीं है। एक स्वर्गीय जेटली जी थे, अब वो भी नहीं रहे, तो इनके पास ना वित्त मंत्री बहुत अनुभवी जानकार है ना कुछ, सिर्फ लंबा भाषण पढ़ने से, नई नई स्कीमें बोलने से नहीं हो जाती। वो स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी जो इनके पहले घोषणा पत्र में थी, उसमें से आप बताइए कि जमीन पे 6-7 साल लगभग पूरी हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ आप प्रतिक्रिया ही देते रहिएगा, कुछ काम नहीं करिएगा, सिर्फ बोल वचन की बात करिए। मोदी जी के पास 7 साल में बोलने के अलावा कुछ बात तो कही नहीं है, कहिए, चलिए एक लाइन में कह दी, अपने मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते मेरे मित्र, दिक्कत यहाँ है। अगर वो जन को समझेंगे तो मन की बात पहुँचेगी, समय नहीं है, एक लाइन में कह दी जल्दी से, कटु बातें करना बंद करें थोड़ा सा। अरे आप कह दीजिए, लगता है ना, ये देश बोल वचन से, जुमलों से नहीं चलता, ये देश नीति नियत और आर्थिक विजन से चलता है। धैर्यवर्धन जी बोल दीजिए एक लाइन में जल्दी से। जीएसटी का 1,000 करोड़ दिया है, आपदा प्रबंधन का 800 करोड़ दिया है, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार कह के गए कि बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा, बस बोल के गए हैं, 1.5 साल होने को आ गए हैं मध्य प्रदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्यवर्धन जी मेरे साथ जुड़े, सहरियार जी मेरे साथ जुड़े, वासुदेव जी मेरे साथ जुड़े, लेकिन ये मिशन बहुत बड़ा है, केंद्र सरकार का मिशन है और मिशन को सबने मिलकर आगे बढ़ाया है, और स्वच्छता को लेकर यदि पैसे रोके जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के तो दिक्कत आगे चलकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पैसों से काम नहीं चलता है, जिस तरह से आप लोग हाथ बढ़ाए, एक के साथ एक हाथ मिलाकर आगे बढ़े, यदि उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद ये जो समस्या है ये भी हल होगी, पर समझने की जरूरत सरकार को है, हिसाब आपको भी देना पड़ेगा और राशि जो बची है मध्य प्रदेश सरकार की वो केंद्र सरकार को सौंपना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मध्य प्रदेश पर रुचि दिखाए नहीं और आपका ही सपना साकार ना हो। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।